निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। महात्मा गांधी सानिध्य मिल रहा हूँ सबको। यहाँ से हेलमेट हाउस तक अभी जो मेला चल रहा हो उसको क्या करें, उसको क्या करें, ये समझना पड़ेगा मोदी जी को, ये समझना पड़ेगा अमित शाह जी को, नाना साहब काशी जी प्रवृत्ति लेने इतनी चाहता है। ये जैसा लोकतंत्र में प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से बहुमत से आप कानून बना सकते हो, थोड़ी सी बहुमत नहीं जीत सकते। सवाल निर्माण का पैदा हो गया है, पूरे देश में आग लगी हुई है, लोग तो खाली यूपी मारे जा चुके हैं, किसे कहते हैं एक आदमी को मरना, किसे कहते हैं लोग खाली यूपी में, और गोली वही चलती है जहाँ सरकार बीजेपी की है। ऊना में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, मुंबई में हुए लाखों लोग इकट्ठे, आंध्र प्रदेश में हुए, हैदराबाद में, आज जयपुर देखिया, नजारा देखिया, मैं खड़ा हूँ, मुझे चला समुद्र की तरफ दिख रहा है, जो लोग आ रहे हैं अभी तक भी आ रहे हैं तो खड़े हैं। जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, देश की अखंडता का, उसको कायम रखने का, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, पाकिस्तानी बने दिया इंदिरा गांधी ने, मरने के पहले कहा था हो सकता है मेरी जान चली जाएगी, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, और वो जज्बा था। फिर राकेश गया था आकाश के अंदर, इंदिरा गांधी ने बात करी, आपको हिंदुस्तान के लिए दिखी दे रहा है, तो राकेश ने कहा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा हिंदुस्तान दे रहे सारे ध्यान से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भावना ये वोट चला 70 साल, 70 साल तक जैसे वोट आजाद हुआ, त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई महात्मा गांधी की सानिधि में, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, 70 साल तक संविधान की परीक्षा हुई और संविधान खड़ा होता रहा, देखिया संविधान की ध्वजें उड़ाई जा रही है, संविधान के मन को समझने की कोशिश की जा रही है, आशा को नाम दिया गया आपको, आशा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है एलआरसी का पूरा कैंपेन चला, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 19 लाख लोगों को चिन्हित किया गया,
जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, मालूम पड़ा 16 लाख हिंदू थे उसके। ये जो नया कानून बनाया है, नागरिक संशोधन कानून पास किया है, ये पूरे देशवासियों को, ये कोई खाली मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। पता कर लीजिए, आप आसाम में मिलने वाले होंगे आपसे, आसाम के लोग आज वहां पर पुलिस प्रक्रिया अपनी गई, लाइनों में खड़े हो गए, परेशानियां हुई, नोटबंदी की तरह नोटबंदी में 150 लोग मारे गए थे, कुछ जवाब सेवा के पास में मोदी जी कह दिया 50 दे दीजिए भाइयों बहनों, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक कर दिया? ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना काला धन आया, ना फेक करेंसी खत्म हुई। आप सोच सकते हैं इस रूप में जो मोदी जी के नारे हैं वो काम नहीं आने वाले हैं। और फिर क्या तरफ पूरा मुल्क लाइन में लग गया है, और सब परिवार आके बताए अपने बाप के, दादा के, परदादा के, अरे लोगों का नाम याद है, दादा परदादा, दादा का नाम याद आता है लोगों को, पति का लोगों को, बहुत कम लोग होंगे तो परदादा दरदादा का नाम याद रख सके। पर आप डॉक्यूमेंट मांगे हो तो फिर रहते हो आप लोग, मुझे पत्रकार मिला यहाँ पर टाइम रोमिनिया का, उसे कहते तो मेरा परिवार आसाम में 130 साल है, बड़ी मुश्किल है, मैं 63 का वोटर लिस्ट में नाम मिल गया, मेरा परिवार बन गया और मेरा नाम भी एनआरसी मान जाता। आप पूछ सकते हो किसी प्रकार नागरिक संशोधन कानून पास किया गया है, ये लोग लाइनों में लगने का काम करने जाते चाहते हैं, क्या स्थिति बनेगी देश की? पूछा जाएगा, दलील किया जाएगा, देख नहीं है ये देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सब धर्म बांटा जाते हैं, इनको इस बात का एहसास नहीं है। जब उनका राज हुआ दो टुकड़े हो गए, उसमें लोगों ने जीत पकड़ ली, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बनेगा, तो पाकिस्तान बन के रहा धर्म के नाम पर। आप मुझे बताइए, उसे मोदी जी को और अमित शाह जी को आप धर्म के नाम पे लोग भागते हो, हिंदू धर्म के एजेंडे को आप लागू करना चाहते हो, इसलिए आप एक ही बार ये मैसेज देते हो आप लोगों को, राष्ट्रवाद की बात करते हो, क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है? आप धर्म की बात करते हो, आप सेना के बीच चिपके राजनीति करते हो, आप शिष्यवृत्ति की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, तो आप क्या नहीं क्या बात की, क्या चाहते हो? पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर, फिर पूछ रहा था मोदी जी से, मोदी जी बताओ आज बांग्लादेश से वो पूरी पाकिस्तान था, पूरा पाकिस्तान एक था, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए हमारे देश के अंदर, एक धर्म के लोग रहते थे वहां मुसलमान, अगर धर्म के नाम पे एक मुल्क बना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, तो फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों हुए, दो देश क्यों बने, क्यों बांग्लादेश क्यों बनाया हुआ, जवाब है किसी के पास? एक धर्म के लोग पहले वो हिंदुस्तान से लोग एक ही रहे पाए, हिंदू धर्म की बात करते हैं। अरे आज से 40 साल पहले तो हमारे उठती थी दक्षिण से भी हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, जमीनी अलग बात करते थे, तो आप जानते हो खालिस्तान की मांग उठी थी, इतना बड़ा आतंकी लिखा गया वहां पर, जितने लोग मारे गए, रोज 50 लोग, 60 लोग, 40 लोग हत्या हो रही थी, आप मेरे कहने को मालूम होगा
हिम्मत करी, अपनी जान की बाजी लगा करके वहां मुझे रिक्शा रोक नहीं किया। हिम्मत चुकाने वाले देश को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी परवाने करी उन्होंने, देश को एक रखा, अखंड रखा, ये भावना है देश प्रेम की भावना होती है। ये चाहते क्या है? इनको छोड़ना चाहते हैं? इनका एजेंडा आरएसएस का और बीजेपी का क्या है? यही है कॉमर्शियल कोर्ट धारा 370, राम मंदिर और अपनी हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कितने कितने टुकड़े करना चाहते देश का? रशिया हमारा मित्र राष्ट्र था, सुपर पावर थी दुनिया की। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, शरणार्थी आगे एक करोड़ हमारे देश की धरती पर, बंगाल के बॉर्डर पर मुझे बचपन में आने का मौका मिला, वहां पर शरणार्थियों के शिविरों में सेवा करने का। देखा मैंने उनकी क्या स्थिति थी। क्या मोदी चाहते हैं कि एनआरसी लागू करके आप शरणार्थी शिविर बनाए? लोग शिविर में जाके रहे वहां पर, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा का पूरा हो, क्या आप देश को बचा लोगे? अरे हिम्मत चाहिए इंदिरा गांधी की तरह, देश टूटने नहीं दिया, एक रखा खंड रहा। आज आप चाहते हैं हिंदू की बात करके फिर आप सभी धर्म लोगों को मारना चाहते हो? और धर्मना खेल खेलने जा रहा है और देशवासियों को आगे है, ये कोई मुसलमानों के खिलाफ खाली बात हो ऐसी बात नहीं है, ये सबके खिलाफ है। सबको लाइन में लगाएंगे, सबको जलिस करेंगे, एहसान करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में हिंदू हो, आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, हम आपको दया दिखाएंगे। आप क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए आपको शरणार्थी समझ करके नागरिकता दे देंगे, कानून बना। अगर आप मुसलमान हो, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जाइए यहां से, ये कानून बना है। और आज ये पूरा देश सड़कों पर है तो मोदी जी और अमित शाह जी के पसीने छूट रहे हैं। देखते रहे आप लोग खीर के अंदर क्या क्या बोल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय स्पीड के नेताओं ने झगड़ा है, सारे कुछ नहीं है, पूरा देशवासी के किसी खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप बताइए आज स्थिति आपकी बन गई, कभी आप कह रहे हिम्मत नहीं कर रहे हो, अरे किस बात में घमंड है? रहता मैं आपके अंदर लोकतंत्र है, जनता ने आपको चुनाव जीता के भेजा है, आप राज कर रहे हो, हम विपक्ष में है। आपका धर्म कहता है हम घमंड छोड़ करके देश पुकार रहा है। समय लेते हुए ये आपका जो नागरिक संविधान संशोधन कानून बना इसको आप वापस लो, एनआरसी के लिए घोषणा करो, लागू नहीं होगी देश के अंदर। अगर आपको लगे अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध घुसपैठी है, देश के लिए खतरा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पश्चिम आपके साथ खड़ा रहेगा, और मना करो आपको घुसपैठी है, निकालो उनको। घुसपैठी के नाम पे आप पूरे देश को लाइनों में खड़ा करना चाहते हो, ये मंजूर नहीं होगा, ये मैं करना चाहता हूँ। इसलिए लोग सड़कों में खड़े हैं और लेकिन आप किस प्रकार छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, किस प्रकार जामे मिला शुरू हुआ, पूरे देश के छात्र चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे कोई जाति विराती का है, तो सड़कों पर क्यों आ गए? जो लोग समझ रहे कानून को जानते हैं कि रवैया ठीक नहीं है लोकतंत्र का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और मेरे पूर्वज जो बता रहे थे किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने क्या क्या संदेश दिए, हम कहां ले आए देश को। क्या विवेकानंद की बात करते हैं, ये लोग अमेरिकी संसद में गए,
उस जमाने में 150 साल पहले तब कहा था हिंदुस्तान वो देश है जो पूरी दुनिया के जितने धर्म है उन सब धर्मों को स्वीकार करने वाला कुल कोई है तो हिंदुस्तान है। स्वामी विवेकानंद ने उस जमाने में कहा था। नाम ही लेते हैं गांधी का नाम लेते हैं गोली चलाते हैं लोगों पर हिंसा करते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर ये सोचने की बात। इसलिए मुझे खुशी है कि आज जिस रूप में चला उमड़ पड़ा है अभी भी देखिए आप जो आ रहे हैं मैं कहना चाहूंगा आपको आप लोग जिस जज्बा के आए हैं सोशल मीडिया में हम लोगों ने आपको पुकार लगाई मीडिया के माध्यम से मैंने आपको कहा कि आप सबको यहाँ आना है और आपने लाखों की तादाद गिनती नहीं कर सकता कुछ 3 लाख कह रहा कुछ 4 लाख कह रहा अभी तक लोग आ रहे हैं हेलमेट हॉल से रिपोर्ट आ रही है और शांति के साथ में हम लोग बैठे हुए झंडा देंगे आपके हाथ में जो राष्ट्रीय फ्लैग है राष्ट्रीय झंडा है इसे रक्षा को करनी है संविधान को बचाना है संविधान की रक्षा करनी है और देश में एक रहे अखंड रहे ये जो बीच बोले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो इसको तोड़ने के पूरे देश नामुद करना है ये हमें जज्बा होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके आत्म शक्ति है वो संदेश बहुत भारी संदेश है आपका मौन जरूर निकला है जो गांधी जी क्या करते थे मौन भक्त रखते थे अहिंसा के रास्ते पे चल के उनको आजाद करवा दिया वो जज्बा आज देखने को मिला इन्हें नारों के मौन जरूर रख करके तख्तियों के माध्यम से आपने संदेश दिया है बीजेपी को भी आरएसएस को इसलिए मैंने कहा राज आज बीजेपी का नहीं है आरएसएस का है आरएसएस के प्रचारक जिनके नाम नरेंद्र मोदी है देश के प्रधानमंत्री है उनको एजेंडा वही करना है पूरा आरएसएस के आरएसएस के पूछे हुए न मंत्री न मुख्यमंत्री बन सकता है खुद ही अपने आप को राजनीतिक दल घोषित कर दे मुकाबला करें हम लोगों से विभिन्न राजनीतिक पार्टी है सबके में विचारधारा है नीति है कार्यक्रम है सिद्धांत है व्यक्त करें कि इनको सपा सौंपनी है। इसमें भी आप घोटा पहन रखा आपने बीजेपी के राजनीतिक दल का पॉलिटिकल पार्टी का पीछे आप सोशल वर्क करते हो थोड़े आपने बना रखे हैं सेंट्रल मान रखे ताकि बटोरते हो विभिन्न वर्गों से और फिर आप ताकि उनको देते हो बीजेपी है तो क्यों नहीं आप बगैर बजाय आप संविधान के ऊपर सत्ता हो जो मैं कहता हूं बार बार एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में राज कर रहे हो आइए मैदान के अंदर तैयार है हमारी कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है किसी से भी हमारी नीति है हमारे सिद्धांत हमारे कार्यक्रम जो महात्मा गांधी की जमानत चले आ रहे हैं और सफलता है सत्तर साल में करना मामूली बात नहीं होती है आज को दिख रहा देश को रसोई नहीं बनती थी बिजली के अवधि लोग समझते नहीं थे कहा क्या पहुंच गए राजीव गांधी सही लोग आपने देखा उपराधिक ट्रांजिस्टर भी करना चाहते थे एक तरफ तो इस पार्टी को बार बार पूछते हैं सत्तर साल में क्या किया सत्तर साल में मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने इसरो गए मंगल ग्रह को उन्हें छोड़ा गया आपने ऐसा मेहनत किया तो मोदी जी 4 महीने में ही मंगल ग्रह बन गया है छोड़ा जा रहा है चालीस चलने वाली नहीं है आपके जनता समझ चुकी है आपकी चालों को आपके राष्ट्रवाद को आपका राष्ट्रवाद खोखला है असली राष्ट्रवाद ये लोग हैं जो आज रैली में आए ये मैं कह सकता हूँ गांधी के साथ शांति के साथ में भाईचारे के साथ में प्रेम से मोहब्बत से सभी जाति सभी धर्म के लोग आए हैं इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ आपको अपील करना चाहूंगा
रैली बहुत कर रहे हैं। ये रैली में आप 4,05,000 है, आज 7 करोड़ जनता राजस्थान की, उन सबकी भावना आपके साथ जुड़ी हुई है। रैली शुरू में आपको मानना चाहिए नंबर एक, और आप सबको बधाई विश्व का आपने रैली कामयाब किया। नंबर दो, जो आपके हाथ में झंडा है राष्ट्र ध्वज है, इसको आपको उसी रूप में वापस ले जाना यहाँ से, जिस रूप आपके हाथ में है उसी ढंग से आप अपने पास रखें, घरों में रखें, घरों में लगाएं, उस रक्षा करने का धर्म आपका बनता है। और नंबर तीन, जब आगे जाए तो कृपा करके जिस रूप में आए हो उस रूप में आप शादी के साथ जाए, जिस रूप में आप उत्साह के साथ जाए और संगम लेके जाए, संगम लेके जाए, इस प्रकार हम अपने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए निशांत इतनी बड़ी कुर्बानी प्यार बलिदान की आवश्यकता होगी, हम तैयार रहेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट ने कह दिया है, हमने राजस्थान में ना नागरिक संशोधन विधेयक कानून और ना एनआरसी लागू होने वाली है, ये मैं कह चुका हूँ पूरे रूप से। मोदी जी सुनो, मोदी जी सुनना चाहिए आपको, क्योंकि आप 9 राज्य कह चुके हैं, आपके खुद के जो पार्टनर है, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने पार्लियामेंट में आपके साथ दे दिया होगा गलत फहमी में, आज वो कह रहे हैं हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। आपको समझ जाना चाहिए, समय रहते हुए मोदी जी आपको समझ करके फैसला करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए, हम आज वर्तमान रूप में एनआरसी लागू नहीं करेंगे और ना नागरिक संशोधन कानून लागू करेंगे। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आए लोगों को हमारे पता में खड़े धन्यवाद। मैं सुशी रघु शर्मा, हरीश चौधरी जी, जितने लोग हमारे साथ लगे थे, लालजी कटारिया जी, सबने मिलकर के टाइम बहुत कम था, दिग्गज जिम्मेवार सौंपी गई, नाम ले भूल गया हमारा किसी के, सबने मिलकर के सब पार्टियों के लोगों से संपर्क किया, मैं उनका आभारी हूँ। हमारा आभार पर तमाम साथी बैठे हुए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनको धन्यवाद दूं। सब लोग आए और दिखा दिए पूरे देश को, जो काम यूपी के मुख्यमंत्री को सबसे पहले करना चाहिए था, गोली चलाई, 15 लोग मारे गए वहां पर। आज राजस्थान में आप सबके सिर्फ संभव हुआ, उसके तमाम पौड़ी पार्टियों के नेताओं का आभारी हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।